ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर सी। कमाल की रेसिपी, अथेंटिक रेसिपी, क्रिस्पी रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हो गया हूँ। पोटैटो रिंग, आलू के रिंग, आप अपने बच्चों को, फैमिली को किस तरीके से बना के दे सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। ये ना जी, पोटैटो रिंग बनाने के लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए जिनका वजन 1.5 पाव बनता है, और इनको बॉयल कर लिया इस तरीके से, छील के इनको मैं छील के अच्छे तरीके से मैश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, आलू छील लिए, इनको अच्छे तरीके से मैश करना है गरम गरम को, क्योंकि अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, ठीक है, कोई गुठली वगैरह नहीं रहेगी। ये ले जी, इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया, स्क्रैपर की मदद से इसको उठा के यहाँ पे ले आए, कोई मसला नहीं है। ये ले जी, ये लहसुन के 4 जवे मैं इसको चॉप कर लूँ, और 3 सब्ज़ मिर्चें ये भी मैं चॉप कर लेता हूँ, ठीक हो गया, अलग अलग चॉप करनी है। ये ना जी, मेयरमेंट के लिए 1/2 कप सूजी का, ये वाले कप मैं ले लें, ठीक हो गया, मेयरमेंट के लिए 1/2 कप का मतलब ये है, अगर ये चाय वाला कप मैंने आधा कहा तो ये भी आधा ही बनता है, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/2 कप, जिन लोगों के पास ये हैं तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 कप ये भी आधा ही बनेगा, ये देखें, ये मैं आपको इस तरीके से ही बता दूँ, ये ले, ठीक हो गया, वही गल है, बाबा सादे तरीके से दस देता है, ये 1/2 कप इसमें शामिल कर दें और इसको ब्रेक ग्राइंड कर लें। इसके साथ का चूल्हा ले लिया, ऑन कर लिया, ये पैन ऊपर रख दिया, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी दाब दे, कोई मसला नहीं है। ऑयल गरम करके ये जो हमने लहसुन को चॉप किया था इसमें शामिल कर दें, 30 सेकेंड इसमें फ्राई कर लें या कटकड़ा लें हल्का सा, 30 सेकेंड के बाद सोते कर लें, जो भी आप कह लें इसको, 30 सेकेंड के बाद आपसे मिलते हैं। 30 सेकेंड के बाद नमक 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और ये जो हमने सब्ज मिर्चें चॉप की थी 3 अदद ये भी शामिल कर दें, हल्का सा इसको फ्राई कर लें, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, सिकिंटों के ये गेम है, ये बस बहुत आने दाब देना, बोता नहीं, इन्हें जला नहीं देना, 30-30 सेकंड 20-20 सेकंड इसको सिर्फ आपने फ्राई करना, फ्राई हो गया फिर ये वाला कप, यह वाला देखो 1/2 कप मेयरमेंट के हिसाब से पानी का शामिल कर दें, ठीक हो गया, और थोड़ा सा पानी को बॉयल आने दें हल्का सा, 1/2 कप वाटर, बेशक ये वाला समझ लो, बेशक यह वाला समझ लो, बेशक यह वाला समझ लो, एक ही गल है मेरे भाई, हो पानी को बॉयल होना शुरू हो गया, ये जो हमने सूजी को अच्छे तरीके से ग्राइंड किया था ये शामिल कर दें, फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे ले आए, दम वाले फ्लेम पे इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से पानी पुश कर लें और पकने लें, ठीक हो गया, ये लें जी, सिर्फ हमें 40 सेकंड लगे और जो पानी था वो सूजी ने पी लिया, ठीक हो गया, सूजी हमारी फूलने की तरफ जाएगी अभी थोड़ी देर में, इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, ये जो आलू थे हमारे पास जिनको हमने मैश किया था ये शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से सूजी के साथ मिक्स कर लें, ठीक हो गया, अच्छे इस तरीके से, इस तरीके से, और नीचे से जो फ्लेम है वो दम वाला है, ये बात ध्यान में रहे आपके, ये ले जी, फ्लेम को बंद कर दें, टोटल 1.5 मिनट लगा इस प्रोसेस में, ठीक हो गया, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, ठंडा होने के बाद आपसे मिलता हूँ। ये ले जी, ठंडा होने के बाद इसको इस तरह बॉल में शिफ्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया, इस तरह ये देखें, इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल कर दें, हाँ सुभान अल्लाह, चस्के थे होना आ रहे हैं, अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखें, ये हमारे पास है मैदा और ये है चावलों का आटा, ठीक हो गया, अब ये मैदा कितना डालना है, बाब मुंडिया ने केड़े काम में फंसा देता बाबे नू, ए देखो, ए 1 कप 1/2 कप ए फिर 1/3, ठीक हो गया, 1/3 इसके अंदर शामिल कर दें मैदे को, ये अगर आप देखा जाए तो 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें, और इतना ही ये चावलों का आटा है ये शामिल कर दें, ठीक हो गया, 2 टेबलस्पून, ठीक हो गया, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बिस्मिल्लाह। जब मैदा और चावलों का आटा मिक्स कर लिया, इसको कुरकुरा बनाने के लिए, खस्तापन बनाने के लिए 2 टेबलस्पून या 1/3 कप, ठीक हो गया, ये देखे 1/3 कप या 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, और इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से।
इस टाइम पे आके ये हल्का सा खुश्का मैदा यहाँ पे नीचे डाल लें, वर्किंग टेबल पे कोई मसला नहीं है। इसको उठा लें आप इस तरीके से, हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस कर दें इस तरीके से, ये देखें ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। और बेलने की मदद से आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है, इस तरह हल्का, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें इस तरीके से इसकी साइड को चेंज कर दें। ये देखें इस तरीके से, ये लें जी, बस इस तरह करके आपने गिलास ले लेना है, एक किसी भी साइज़ का ले लें, हल्का सा आयल यहाँ पे लगा दें ताकि ये आपस में चिपके ना। और एक इस तरह का जो नगट्स वगैरह बनाने के लिए मिलते हैं, इस तरह का ले लें, या कोई भी गिलास छोटा मोल्ड, या कोई भी गिलास छोटा और बड़ा कोई भी ले लें, ठीक हो गया। आपने करना क्या है, पहले गिलास की मदद से यहाँ पर निशान लगाना है इस तरीके से, ये देखें गल समझ आ रही है। इसको यहाँ पर ले आना है, फिर यहाँ पे ये देखें ये छोटा अंदर से इस तरीके से इसको इस तरह दबाना है, ठीक हो गया। और ये इसके अंदर से ये निकाल लेना है, ये रिंग हमें चाहिए, ये देखें गल समझ आ रही है। इस तरह के रिंग हमने बनाने हैं, यहाँ पे रख दें और फिर सब रिंग इसी तरीके से बना लें, आयल हल्का हल्का लगाते रहें। अगर स्टील का गिलास है इस साइज़ का तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें इस तरीके से ऐसे कर लें, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर लें, ये देखें इस तरीके से तमाम मैं बना लूंगा भाई, फिर मैं आपसे मिलूंगा। बाकी जो बचेंगे उनको गूंद के दोबारा, हाँ इनको गूंद के फिर मैं बनाता रहूंगा, वेस्ट नहीं करनी कोई शायद। तमाम रिंग हमने तैयार कर लिए और इनको अब फ्राई के फ्रासिस से हमने गुजारना है। यहाँ पे हमने आयल को चढ़ा दिया, ठीक हो गया। पहले हमने हाई फ्लेम पे आयल को गर्म कर लिया, फिर मीडियम कर दिया, ठीक हो गया। फ्राई टाइम 3 मिनट रहेंगे इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से यहाँ पे शाम डाल दें इस तरीके से। अगर हाई फ्लेम पे आप इसको वो करेंगे तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से, इस तरीके से सुबहान अल्लाह, चस्के थे होना आनगे बाबा तो यहीं पेट रहे हैं इस तरीके से। और इनको फ्राई होने दें, खुद ही ऊपर आएंगे, ठीक हो गया। फ्राई होते होते खुद ऊपर आ जाएंगे। 3 मिनट के बाद सूरत हाल ये है, चिमटे से भी पकड़ोगे तो नहीं टूटेंगे, ठीक हो गया। ऐ देखो गल समझो बाबा की पेट रहे हैं, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से साइडें चेंज कर दें और हल्का सा उधर से ब्राउन होने दें, हो गई है ये, लेकिन हल्का सा उस साइड से कलर आ जाए। हर शायद वेज पक्की हुई है, गल समझ आ रही है। आलू उबले हुए ने, वेज जनाब सब्ज मिर्चा ने, सब कुछ फिट है बिल्कुल, चावलों का आटा बिच दबिया हुआ है। फिर जी ये तैयार हो चुके हैं अलहमदुल्ला, 3 मिनट के बाद यहाँ पे निकाल दें, हैं जी इनका खस्ता पान पे साउंड है, देखो टोटल फ्राई टाइम कितना है बाबा जी? 3 मिनट। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारे रिंग तैयार हुए हैं। अब मैं ये सब इसी प्रोसेस से गुजारूंगा, उसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह। ये ले जी, ये भी फाइनल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको निकाल लें। ये ले जी, अगर खस्तापन की बात करूं तो गल समझ आ रही है। इस तरीके से इनको तोड़ के दिखाऊं, ये देखें सुबहान अल्लाह, अंदर से जूसी बाहर से क्रिस्पी, टमाटो केचप के साथ उसी खाने ने, ये देखें। ये लें जी, इंग्लिश आखो थे पोटैटो रिंग, जे बाबा जी में दसे थे आलुओं दे रिंग किस तरीके से तैयार होते हैं मेरे भाइयों, मुकम्मल गाइड कर दिया, आप ट्राई किया करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो पोटैटो रिंग की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।